नमस्ते गाइस, मैं आप सबका मैथ्स बाबा, वेलकम टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। 10th क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर रहे थे, आज हम करेंगे उसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है जी, तो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स मैं लेके आया हूँ आज आप लोगों के लिए पहले, एंड हम इनके साथ स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द डे। जय माता दी, जय गुरु जी। अब पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 3, 1, फाइंड द नंबर्स। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या हुआ कि भैया एक के बाद एक, ठीक है ना। तो भैया लेट नंबर्स बी, अगर एक एक्स है तो दूसरा क्या होएगा, एक्स प्लस वन ही होएगा। उसने इंग्लिश में बोला, कहता सम ऑफ स्क्वायर्स इज 3, 1, स्क्वायर्स का सम तो एक्स स्क्वायर हो गया। यहां जो बच्चा गलती करता है, बस वो ये करता है, इसको ऐसे लिख देता है, वो पापी नंबर वन हो जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस वन, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी भी लिखना है। ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करके आएंगे। तो ये बन गया 2x² + 2x - 312 = 0। बॉर्डर पार आ गए, पूरे खानदान में से 2 कॉमन निकाल दो। अब इसकी हमने क्या करनी है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, व्हाट एवर यू फील लाइक यू कैन डू। ठीक है जी, तो हमारे पास यहां पे आंसर क्या आएगा, लेट्स सी। तो 2 × 2 × 3 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 13, तो एक्स स्क्वायर प्लस 13x - 12x - 156 = 0। एक्स कॉमन एक्स प्लस 13 - 12 कॉमन एक्स प्लस 13। सो भैया दो फैक्टर बन गए, एक्स माइनस 12 और एक्स प्लस 10। या तो एक्स है 12 या फिर एक्स है माइनस 10। अब नेचुरल नंबर मांगे थे तो ये नॉट पॉसिबल होगा। तो आंसर क्या होगा, वेल एंड अगर वो नेचुरल नंबर ना बोलते, इंटीजर बोलते, क्या बोलते, इंटीजर, तो ये इंटीजर में आता, क्योंकि अब नेचुरल नंबर मांगे तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हो सकते थे, 1 से स्टार्ट होते हैं, तो हमने वो आंसर लिखा। तो इसलिए ध्यान देना है कि क्वेश्चन में मांग क्या रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर लिखा जाएगा। क्लियर बात, करें इसको नोट। जय मां। तो बहुत ही बेसिक से हमने शुरुआत की है। ठीक है, अब मैं पहला क्वेश्चन देता हूं, वी आर डन। कहते हैं सम ऑफ टू नंबर्स, मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन, सम ऑफ टू नंबर्स इज 15, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 3/10। अब भाई एक सिंपल सी बात, फर्स्ट नंबर अगर x है तो सेकंड नंबर क्या होएगा, बच्चे कहता भाई क्वाड्रेटिक है, सिंगल वो आएगा, तो सेकंड नंबर क्या होएगा, 15 - x। बच्चे इसको गलत लिखाते हैं, x माइनस 15 लिखाते हैं, वो नहीं करते भाई। दो नंबर का सम 15 है, अगर पहला नंबर 5 है तो दूसरा क्यों होएगा, 15 में से 5 माइनस करोगे 10 ही होएगा। अगर पहला नंबर 7 है तो दूसरा क्यों होएगा, 15 - 7 = 8। अगर पहला नंबर 2 है तो दूसरा नंबर क्यों होएगा, 15 - 2 = 13, है ना। तो 15 में से माइनस कर दिया, सिंपल सी बात है। ठीक है, कहते सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स खत्म हो गए, ये इनके रेसिप्रोकल्स का सम इज 3/10। एलसीएम, जय माता दी। टाटा बाय बाय। 15 है, ये 15x है माइनस x। बहुत अगर आप इंटेलिजेंट हो, देख सकते हो न्यूमरेटर दोनों के 53 और 15 दोनों कट सकते हैं, तो ये 1 पे गया और ये 5 पे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 × 10 = 50, 15x - x², एक्स स्क्वायर को माइनस में नहीं रखना, पूरे खानदान को वहां ले जाते हैं। तो
x square minus 10x minus 5x plus 50 is 0. x आ जाएगा 5 या फिर x आ जाएगा 10. तो दो आंसर आ, और बिल्कुल दो ही आंसर आएंगे. क्यों? अगर x 5 है तो दूसरा नंबर 15 माइनस x 10 बन गया, और अगर x 10 है तो दूसरा नंबर क्या बन गया? 5. तो नंबर्स आर 5 एंड. क्लियर बात? करिए नोट. जब दी ओनली थिंग कि भैया यहां x माइनस 15 नहीं लिख देना, x माइनस 15 पापी हो जाओगे, वो पाप नहीं करके आना. ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट बहुत बच्चा गलत करता है. मतलब ये लगा लो ऑलमोस्ट 50% ऑफ द क्लास विल डू दिस क्वेश्चन रॉन्ग, बिकॉज वो x माइनस 15 लिखाएंगे और कहेंगे ओल्ड है. बस इतनी सी गलती थी, वो इतनी सी गलती, गेम ओवर. ठीक है? श्योर? लेट्स डू द नेक्स्ट वन देन. थर्ड क्वेश्चन कहते हैं टू डिजिट नंबर. अच्छा जी, टू डिजिट नंबर आ गया. टू डिजिट नंबर की तो स्टोरी पड़ी हुई है. क्या? एक y होता था, एक x होता था, टेंस पे, ये यूनिट्स पे, है ना. नंबर क्या होता था? 10x plus y. रिवर्स नंबर क्या होता था? 10y plus x. ये तो हमने सबने लीनियर के अंदर पढ़ा ही था. थोड़ी आया ना ऐसी. कहते हैं टू डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इज 18. अच्छा जी, अब प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स आ गया, टेंस डिजिट एंड वंस डिजिट. ठीक है जी, इनका प्रोडक्ट है 18. तो कैन आई राइट वाई क्या है? ठीक है, व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, नंबर है 10x प्लस वाई. सॉरी, व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड, डिजिट्स इंटरचेंज द प्लेसेस. डिजिट्स इंटरचेंज द प्लेसेस मतलब क्या बन जाता है? रिवर्स नंबर बन जाता है. समझ आया? नंबर में से 63 माइनस किए तो डिजिट्स इंटरचेंज हो गए. बाबूजी ये बॉर्डर पार जाके माइनस होंगे, तो 9x माइनस 9y माइनस 63 इज 0. 9x माइनस y माइनस कॉमन निकाल दिया 7. अब y है, यहां से y की वैल्यू डाल दी और गेम खत्म हो गई. अब हमारी ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 18 माइनस 7x. x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18 इज 0. x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 18 इज 0. x माइनस 9 प्लस 2 x माइनस 9 इज 0. या तो x 9 होगा या फिर माइनस 2. अब भैया डिजिट तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है. एक्स क्या है? 9. वाई कितना आ जाएगा? 2. योर नंबर विल बी व्हाट? 92 में से 63 माइनस करोगे, नंबर बन जाएगा 29. रिवर्स हो जाएगा. ठीक है, डिजिट कभी भी नेगेटिव नहीं होता, याद रखना. तो उसको कैंसिल कर दिया, सिर्फ ये पॉसिबल. गेटिंग द पॉइंट? अगर ये सम ऑफ डिजिट्स होते हैं तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाती है. अब यहां प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया, सिंगल वेरिएबल में. ये फर्क होता है. क्लियर? करिए नोट. शाबाश. इसको भी उड़ा देते. अब अगला क्वेश्चन है, डिवाइड 16 इंटू टू पार्ट सच दैट ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट एक्सीड्स द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट बाय 160. डिवाइड 16 इंटू टू पार्ट मतलब क्या हुआ भैया? दो टुकड़े करने. इधर देखिए, फर्स्ट पार्ट जिसको हम मान लेते हैं लार्जर,
वो है एक्स, क्या है एक्स। तो सेकेंड पार्ट स्मॉलर, वो क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स। अभी अभी समझाया टोटल 16 थे, लार्जर पार्ट एक्स है तो स्मॉलर कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स। कहते ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट, ये जो है लार्जर पार्ट का स्क्वायर का ट्वाइस, एक्सीड्स स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट बाय 164। ये स्मॉलर पार्ट के स्क्वायर से कितना ज्यादा है, 164 ज्यादा। अब आपका वेट 30 केजीज है, मेरा वेट 50 केजीज है, तो माई वेट एक्सीड्स योर वेट बाय कितना, 20 केजीज, है ना। आप अपने में 20 ऐड कर लोगे। वैसे ही ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट, ये स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट से, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट ये हुआ से कितना ज्यादा है, 164। तो 164 क्या कर दिया यहां पे, ऐड कर दिया, सिंपल। समझ आई बात। तो ये बन गया 2x² इज इक्वल टू, अब इस पे a माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 280। वहां भेज देते हैं x² प्लस 32x माइनस, ये आपका सही से लगा लो शायद 420 बन गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फेवरेट नंबर आ गया काफी लोगों का, है ही दुनिया आजकल सारी की सारी चोर ऐसी, है ना। x² प्लस 42x माइनस 10x माइनस 420 इज 0। सो x इज 10 और x इज माइनस 42। अगेन अब माइनस 42 नहीं हो सकता क्योंकि भैया 16 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना था, तो वो क्या होंगे, पॉजिटिव पार्ट्स ही होंगे, नेगेटिव में नहीं जाएंगे। तो x इज 10, तो नंबर्स आपके पास आ गए 10 एंड 16 माइनस 10 किया तो 6। क्लियर बात भैया, एक लार्जर पार्ट था, स्मॉलर पार्ट कैसे बना, हमने ये ले लिया। फिर उसने इंग्लिश में बोला ट्वाइस द स्क्वायर जो है लार्जर पार्ट का, वो स्मॉलर पार्ट से कितना ज्यादा है उसके स्क्वायर से, 164। तो इसमें हमने 164 क्या कर दिया। ठीक है, करें आगे। अगला क्वेश्चन आया, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 208, स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर इज 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। लार्जर नंबर एक्स, स्मॉलर नंबर वाई। कहते स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर इज 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर इज 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, ये आ गया। उसके बाद इंग्लिश में बोला सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 208। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पॉजिटिव पहले ही बोले हुए, इज 208। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो ऑलरेडी क्या है, 18 वाई, तो ये वाई में बन गया कि क्वेश्चन, कोई बात नहीं। इसके फैक्टर्स पर मुझे पता था 26 8 का क्या होता है, ठीक है जी, तो इसलिए मैंने स्ट्रेट अवे लिख दिया। सो माय वाई इज या तो 8 या फिर -26, ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, पॉजिटिव इंटीजर बोले थे, तो वाई क्या होगा, 8 होगा, y 8 होगा, तो भैया एक्स स्क्वायर किसके इक्वल था, 18 इंटू 8, तो x square किसके इक्वल आ गया, शायद ये 144, यहां से x क्या आ जाएगा, 12 या -12, अगेन ये कैंसल, सिर्फ x की वैल्यू क्या आएगी, 12, तो नंबर्स क्या आ गए, 12 एंड 8 इज माय आंसर। क्यों,
स्क्वायर है 144, तो भैया स्क्वायर रूट करोगे प्लस माइनस 12 आएगा, पर माइनस 12 नहीं हो सकता बिकॉज नंबर्स क्या हैं, सिर्फ पॉजिटिव। तो बड़ा अच्छा इंग्लिश में क्वेश्चन था क्योंकि ये लाइन कंफ्यूज कर देती है। स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर इज 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर और सम ऑफ स्क्वायर्स, तो भैया मैंने एक्स और वाई में लिखा, उसके बाद वाई में चेंज कर दिया, इट्स ऑलराइट। ठीक है, करिए, आई होप समझ आ रहे हैं क्वेश्चंस, यू कैन फिगर इट आउट कि भैया हम क्या करना चाहते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, ये एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन किससे बनती है, फ्रैक्शन बनती है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, राइट। कहते हैं डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। अच्छा, अगर मैंने न्यूमरेटर को एक्स ले लिया तो डिनोमिनेटर कहते हैं क्या है, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज वन मोर, एक ज्यादा, देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, तो मेरी फ्रैक्शन क्या बन गई, एक्स अपॉन टू एक्स प्लस। ठीक है, कहते सम ऑफ फ्रैक्शन एंड रेसिप्रोकल इज, फ्रैक्शन और उसका रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा इसका सम है 216/21, मिक्स फ्रैक्शन भी, कोई बात, जय माता बाबू जी, ये क्या बन गया, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, 2x plus 1 पूरे खानदान का होल स्क्वायर, ये गलती होती है, ये बन गया 42 प्लस 16 58 हो गया शायद, गंदी कैलकुलेशन आने वाली है, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x, 2x स्क्वायर प्लस x, 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये 21 मार चला गया बॉर्डर पर, 58 इंटू 2x स्क्वायर प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, पर पूरे खानदानों के आगे ब्रैकेट लगा देना तभी मल्टीप्लाई, 105x स्क्वायर प्लस 84x प्लस 21, 116x स्क्वायर प्लस 58x, ये 116 है, ये 105 है, इस पूरे खानदान को यहां ले आते हैं, x स्क्वायर पॉजिटिव रखते हैं, 11x स्क्वायर, ये 84 वहां के माइनस हुआ 60, 24, 26 x माइनस 20, ठीक है, 21 और 11 वो 31 बनते हैं, ठीक है ना, 11 वो है, ये 3 और 7 है, बन गए 11x स्क्वायर माइनस 33x माइनस 7 प्लस 7, देखो वैसे था 11 था और एक 21 था, 11 तो हो नहीं सकता, 21 क्या होता है, 3 इंटू 7 खत्म हो गई है, 33 और 7 26, तो 11 x कॉमन x माइनस 3, 7 कॉमन x माइनस 3, तो 11x प्लस 7 एंड x माइनस 3, या तो x आ गया माइनस 7 बाई 11 या फिर x कितना आ गया 3, नॉट पॉसिबल, क्यों, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होता ना, वो कभी फ्रैक्शन में होते, x आएगा 3, x 3 है, न्यूमरेटर इज 3, so denominator will be 2x plus 1, that will be 2 into 3 plus 1, 7, your fraction is 3 by 7, ठीक है, fraction कितनी आ गई, 3 by 7, with this part, I hope, हमने थोड़ा सा पार्ट किया है, अगली क्लास में हम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन करेंगे, क्वाड्रेटिक के, उसके बाद हम एज के करेंगे और बड़ी बड़ी टाइप्स आगे करने वाले हैं, सो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स ओवर, आई होप समझ आया, प्रैक्टिस करना अपनी बुक्स के अंदर से, टिल देन नेक्स्ट वीडियो का वेट के लिए, एंजॉय।